हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत ही हमेशा चर्चा में भी रहता है। लोगों को उसके बारे में पता भी होता है, लोग बहुत बारी लोग उसको इग्नोर भी करते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ है और कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या फालतू बकवास है। तो वीडियो देखते रहिए। टॉपिक का नाम है डिप्रेशन। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। यस, डिप्रेशन विच मैनी पीपल इग्नोर, मैनी पीपल डोंट नो अबाउट इट एंड सम कैंट इवन डिटेक्ट कि उनको किसी भी तरह का डिप्रेशन है। तो अब डिप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, क्या डिप्रेशन, हम बात करते हैं उसके बारे में। तो डिप्रेशन बेसिकली आप उसको बहुत ही लेमैन टर्म्स में, बहुत ही ईजी टर्म्स में हम उसको बोलें तो आप तीन तरह से बोल सकते हो, माइल्ड, वेरी माइल्ड, सीवियर और क्लिनिकल डिप्रेशन। अब क्लिनिकल डिप्रेशन वाले जो केसेस होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अलग ही नज़र आते हैं। उनको तो हेल्प चाहिए होती है साइकाइट्रिस्ट की, उनको फिज़िकल और क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत लेनी पड़ती है। बट वॉट इफ़ इन केस इट इज़ जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ सच अ थिंग, बहुत ही माइल्ड हो रहा है या आपको ऐसी कुछ फीलिंग हो रही है, तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, क्या करना चाहिए उस बारे में। अब सिचुएशन ये होती है आजकल की, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन्स हैं, लाइफ की टेंशन्स, जॉब की टेंशन्स, और भी एन नंबर ऑफ सिनेरियोज हो सकते हैं। ऊपर से अब लॉकडाउन हो गया, अब घर में हैं सारे टाइम, बाहर नहीं जा सकते। और अगर लॉकडाउन खुल भी गया है तो फिर टेंशन है कि कोविड, कोरोना ना हो जाए या और किसी तरह से बीमारी ना हो जाए, आपको घर का सारा काम करना पड़ रहा है। तो बहुत लोगों का मैंने ऐसा देखा है, मैंने सुना भी है लोगों से कि काफ़ी लो फील करते हैं या टेंशन में है बहुत, और उनको नहीं पता चलता कि बहुत बारी वो डिप्रेशन में भी है। अभी एक नई चीज़ सामने आई है, लॉकडाउन डिप्रेशन। लोगों को लॉकडाउन में रहने की वजह से डिप्रेशन हो गया, क्योंकि पहले की लाइफस्टाइल डिफरेंट थी, अब की लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गई है, एकदम ड्रास्टिक चेंज है। पहले हम यहाँ थे, अब हम यहाँ नीचे आ गए हैं। पहले हमारा सोशल इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, अब देर इज़ नो सोशल इंट्रैक्शन लेफ्ट एट ऑल। जो इंट्रैक्शन है वो बहुत ही क्लोज सर्कल में है, और इवन इफ़ द अनलॉक इज़ हैपनिंग तो भी डर है, तो लोग बाहर नहीं जाते या नहीं मिल पाते। अब बात करते हैं कि इवन माइल्ड डिप्रेशन भी है या थोड़ा सा माइल्ड, ज़्यादा थोड़ा सीवियर भी है, तो सिम्टम्स क्या हैं, जिसको नहीं पता या जिसको बहुत लोगों को पता भी चल जाता है तो भी इसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे मेजर सिम्टम होता है डिप्रेशन का लेथार्जी। डिप्रेशन में जब हम आते हैं तो हमारी बॉडी एकदम लेथार्जिक हो जाती है, हमें मन करता है कुछ ना करने का, हमेशा पड़े रहने का, सोने का। हम सब बहुत ज़्यादा सोते हैं, उठने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता हर टाइम, बट जस्ट वी जस्ट वॉन्ट टू ले डाउन एंड डोंट डू एनी थिंग। उठेंगे नहीं, लेट से उठेंगे। एंड बहुत केसेस में और बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा भी है, दे ईट देयर वे आउट ऑफ डिप्रेशन। मतलब आप बहुत लो हो और आप खा रहे हो। अब इसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है मूवीज़ की वजह से भी। हमने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ में देखा है कि लोग बैठे होते हैं, किसी कोई ब्रेकअप हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, दुखी हैं, परेशान हैं, रात को आइसक्रीम का इतना बड़ा टब लेके बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो गाइस, दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू गेट आउट ऑफ इट। वो आपको मोमेंट्री हैप्पीनेस दे देगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, यू विल अगेन बी इन द सेम थिंग अगेन। आप नेक्स्ट नाइट या नेक्स्ट मॉर्निंग, कोई भी किसी भी टाइम हो सकता है, आप फिर से खा रहे होगे, आइसक्रीम का टब लेके खा रहे हो या कुछ और चीज़ खा रहे हो। एंड अल्टीमेटली होगा क्या, इट इज़ अगेन गोना पुट अस इन टू मोर ट्रबलसम पोजिशन। अब और क्या होता है कि कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग क्या खुद को आइसोलेशन में भी डाल देते हैं। दे डोंट इंट्रैक्ट विद एनी वन, दे डोंट वॉन्ट टू इंट्रैक्ट विद एनी बडी, दे जस्ट कीप आइसोलेटेड, दे जस्ट कीप दे जस्ट सिट इनसाइड देयर ओन रूम, ब्लैंकेट्स के अंदर घुसे रहेंगे और किसी से बात नहीं करनी, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना। कोई इवन बात आके कर भी रहा है तो इरिटेट हो जाते हैं, कोई बात ही नहीं करना चाहता। समटाइम्स दैट इज़ गुड, समटाइम्स यू नीड सम स्पेस फॉर योर सेल्फ। बहुत ही माइल्ड केसेस में ऐसा होता है, देन व्हेन यू फील सो स्ट्रेस्ड आउट दैट यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ, उस केसेस में ठीक है, आप थोड़े दिन थोड़ा टाइम या कुछ घंटे, इन सम केसेस कुछ दिन आप आइसोलेटेड रहो, यू डोंट टॉक टू एनीबडी, रिचार्ज एंड रिजुविनेट योर सेल्फ, डू वॉट यू लाइक एंड देन कम आउट हैप्पी, कम आउट विद दी हैप्पी हॉर्मोन्स एंड देन स्टार्ट वर्किंग एंड स्टार्ट इंट्रैक्टिंग विद अदर पीपल। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम ऐसे आइसोलेशन में रहते हैं, कुछ ना करने की जो इच्छा और फीलिंग होती है, और बस खाने की फीलिंग और पड़े रहने की, सोने की फीलिंग,
तो हमारी बॉडी उसको बहुत वियर्ड तरह से रिएक्ट करती है। जब हमारा किसी भी तरह का मोबिलिटी मूवमेंट बंद हो जाता है तो बॉडी एक हार्मोन जनरेट करती है, जिस हार्मोन की वजह से हम जाने लगते हैं लेथार्जिक पोजीशन में, हम जाने लगते हैं लेथार्जिक स्टेट में। हमारी बॉडी जो हम खाते हैं वो एक्यूमुलेट करने लगती है, वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अ फैट फैटी एंड ओबेसिट ओबेसिक वी स्टार्ट मूविंग इन टू फैट एंड ओबेसिटी स्टेज। अब नोबडी वॉन्ट्स टू बी ओबीस, कोई किसी की चॉइस नहीं होती, हो जाते हैं इसकी इसकी वजह से। सो अब इफ़ यू हैव डिटेक्टेड एनी ऑफ दिस सिम्टम्स, और इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ दिस सिम्टम्स, और इफ़ एनी ऑफ योर नोन फ्रेंड और फैमिली मेम्बर इज़ हैविंग एनी ऑफ सच सिम्टम्स, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, गो आउट, सीक हेल्प फ्रॉम समवन यू नो, समवन यू ट्रस्ट, हु यू नो विल हेल्प यू आउट। अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए, किसी से भी बात करिए। टेल देम अबाउट योर पोजिशन, टेल देम अबाउट हाउ यू फील, वॉट इज़ दैट यू आर गोइंग थ्रू, एक्सप्लेन देम योर सिचुएशन, आस्क देम फॉर योर सजेशंस, एंड इन एक्सट्रीम केसेस कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट। एक ही टैबू बना हुआ है हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में, कि साइकाइट्रिस्ट के पास कोई जा रहा है तो पागल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटल इलनेस दीज डेज इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एंड यू शुड डेफिनेटली सीक द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर, अ ट्रेन डॉक्टर, ट्रेन साइकाइट्रिस्ट इन एक्सट्रीम केसेस। सो इफ़ यू आइडेंटिफाई दिस एज अ माइल्ड सिम्टम, तब क्या करना चाहिए? इसका एक बहुत ही अंडर रेटेड सोल्यूशन और ट्रीटमेंट है, जिसको जो लोगों को पता भी है फिर भी लोग उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी विल पावर चाहिए होती है, थोड़ा सा यहाँ से दिमाग से खुद को पुश करना पड़ता है। येस, दैट इज़ एक्सरसाइज एंड वर्कआउट गाइज। एक्सरसाइज करना या कोई भी तरह से मोबिलिटी या फिज़िकल मूवमेंट हम करते हैं, उससे हमारी बॉडी को बहुत ही बेनिफिट होता है। अब होता क्या है कि ये जो डिप्रेशन का सिम्टम होता है ना, ये हमें इस चीज़ से दूर भगाता है कि हमें मूवमेंट नहीं करनी, लेकिन हमें इसका उल्टा ही करना होता है। अगर ये हमने बात करी अंडर रेटेड ट्रीटमेंट अबाउट एक्सरसाइज, विच इज़ दी अंडर रेटेड ट्रीटमेंट, बहुत लोगों को पता होता है लेकिन इग्नोर करते हैं। लेकिन इसके अलावा, इसके बावजूद बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन लेने लगते हैं। अब एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन का सीन ये है कि इंडिया में विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन ये आप ले नहीं सकते, बट हमारे यहाँ पे इतना कोई चेक नहीं होता, तो यू कैन बाई दीज मेडिकेशन ऑफ द काउंटर। अब ये मेडिसिन्स आपको ऑफ द शेल्फ मिल तो जाती हैं, आपको मोमेंट्री ईज आउट कर देंगी, लेकिन दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। सो अनटिल अनलेस यू वर्क ऑन योर सेल्फ, दीज मेडिसिन्स विल ओनली हेल्प यू मोमेंट्रीली, बट देन दीज मेडिसिन्स विल नॉट क्योर दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स। यू हैव टू फाइंड आउट अ वे टू कम आउट ऑफ इट, और इसका तरीका यही है, आप खुद को पुश करो, खुद को उठाओ, अपने बेड से उठो, अपने काउच से उठो, डोंट बी अ काउच पोटैटो, एंड स्टार्ट मूविंग एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग। अब एक्सरसाइज एक लौती ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं, हमारी बॉडी उसको करने के बाद एक हार्मोन जनरेट करती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन वही सेम हार्मोन है जब हमारी बॉडी उसको सिक्रीट करती है व्हेन वी डू थिंग्स विच वी लाइक, जैस और व्हेन वी डू थिंग्स विच मेक्स अस हैप्पी, व्हेन वी डू थिंग्स विच इंटरेस्ट अस, हमारे इंटरेस्ट का कुछ हम काम करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो ड्राइंग करेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, उसको करने पे से उनको खुशी मिलती है, कुछ लोगों को ट्रैवल करने से खुशी मिलती है, कुछ लोगों को बाहर घूमने से खुशी मिलती है, किसी चीज़ से भी खुशी मिल सकती है। तो ये सेम हार्मोन है। आप जब हंसते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, गप्पे मारते हैं, बातें बातें करते हैं, कोई भी अच्छी कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, आप खुश होते हैं, तो ये हार्मोन जनरेट होता है ऑक्सीटोसिन, विच कीप्स यू हैप्पी, और बॉडी को खुश रखने में, बॉडी की हेल्थ में बहुत ही इफेक्टिव तो नहीं बोलना चाहिए, बट बहुत ही एसेंशियल हार्मोन होता है ये। एंड इस हार्मोन का जनरेशन, सिक्रीशन बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे मूवमेंट पे, हमारे मूड पे, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करते हैं। बट अगर आप खुद को पुश करो, खुद को मोटिवेट करो, किसी भी तरह से मोटिवेशन चाहिए हो तो किसी भी तरह से खुद को मोटिवेट करो, भगाओ, तो ये हार्मोन ज़रूर जनरेट होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस हार्मोन, दिस इज़ ऑल्सो द हार्मोन विच इज़ सिक्रीटेड बाई द बॉडी वेन वी इन्वॉल्व इन सेक्शुअल एक्टिविटीज़। बट द प्रॉब्लम अराइजेज वेन वी गेट इन टू डिप्रेसिव स्टेट, वी डोंट वॉन्ट टू इंडल्ज इन एनी ऑफ दीज। तो द प्रॉब्लम इज़ जब हम
इस स्टेट ऑफ डिप्रेशन में होते हैं, वी डोंट वॉन्ट टू इंडल्ज इन एनी ऑफ सच एक्टिविटीज़। ना हमें वर्कआउट करने का मन करता है, ना हमें उठने का मन करता है, ना ही हम सेक्सुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। हर किसी के साथ में ट्रू नहीं है, बट कुछ लोगों के साथ होता भी है, कुछ किसी भी टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थोड़े थोड़े होते हैं, बट स्टिल दे डोंट मेक इट अ हैबिट। अब करना क्या है, हाउ टू स्टार्ट, नाउ टू पुश योर सेल्फ, कैसे हम खुद को मोटिवेट करें। सबसे पहले आप उठें, अपने आप को ज़बरदस्ती उठाएं। सुनाओ, हमने अब ये सारी बातें तो कर ली, अब हाउ टू एक्ट ऑन दिस, हाउ टू स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले खुद को बेड से, सोफे से, जहाँ भी आप हो, जहाँ पे भी आपको पड़े रहना पसंद है, यू हैव टू पुश योर सेल्फ एंड यू हैव टू गो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, लुक योर सेल्फ इन द मिरर एंड देन आस्क दिस क्वेश्चन विद योर सेल्फ, दैट इज दिस रियली हु यू आर, इज दिस रियली वॉट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ, वर यू द सेम पर्सन बिफोर, हैड यू इमेजिन दिस फॉर योर सेल्फ, कैन यू बी दिस द सेम पर्सन फॉर द फ्यूचर, आप ऐसा ही रहना चाहते हो। अगर हाँ, तो उसका एक ही इलाज है, आपको सीरियसली बहुत क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी, अगर आपका माइंड, आपका दिल अंदर से आपको बोलता है नहीं ये गलत है, मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ, आई हैव टू बी बेटर, आई हैव टू इम्प्रूव ऑन दिस कंडीशन, सो आपको अपनी सेल्फ मोटिवेशन ढूंढनी पड़ेगी, अपनी इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ेगी, और यही आपकी इंस्पिरेशन है। आप अपने को मिरर में देखिए और अपने आप को बताइए, नहीं दिस इज़ रॉन्ग, मैं ये नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं रहना। तो अब करना क्या है आगे, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं जिसके साथ ये सेम सिचुएशन है, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू पुश, इधर यू हैव टू पुश दैट पर्सन और दैट पर्सन हैज़ टू पुश देमसेल्व्स, यू हैव टू टॉक दोज दीज पीपल आउट। ये सेम स्टेप अपनाइए, मिरर के सामने खड़े कराइए और उनको बोलिए कि वो ये क्वेश्चन खुद से पूछें। अब हमने बात करी कि अंडररेटेड ट्रीटमेंट एक्सरसाइज है, अब कैसे करी जाए एक्सरसाइज, कहाँ करी जाए। गाइस, आप अपने लिए, अपने घर में, अपने आसपास एनवायरनमेंट में एक अपने लिए स्पॉट, छोटा सा स्पॉट ढूंढिए, जितना जो सफिशिएंट हो थोड़ा बहुत हिलने डुलने के लिए, और एक फिक्स टाइम स्लॉट बनाइए अपने लिए, दिन में कम से कम एक बारी के लिए 15 मिनट, स्टार्ट विद जस्ट 15 मिनट्स। आप वॉक करना शुरू कर सकते हो एज अ स्टार्ट, मेक इट अ हैबिट कि आप वॉक करने जाएं। आई प्रेफर गोइंग आउट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, अर्ली मॉर्निंग होती है, सनराइज़ हो रहा होता है, द विंड इज़ कूल, यू फील दैट कूल ब्रीज ऑन योर फेस, यू सी लॉट ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी पीपल वॉकिंग आउटसाइड, आप उनको देख के स्माइल पास करिए, दे विल डेफिनेटली स्माइल बैक एट यू। नाउ यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विद एटलीस्ट 10-15 मिनट्स वर्कआउट, दैट वी नो, बट देन यू हैव टू मेक इट अ हैबिट। इनिशियल 10 to 15 days आर द टफेस्ट टू पुश योरसेल्फ, बट देन यू हैव टू कीप योर विल पावर स्ट्रांग। आपको अपने माइंड से स्ट्रांग करना है, अपने हार्ट से स्ट्रांग करना है, और आपको खुद को डेली पुश करना ही करना है कि हमें बाहर जाना है। आप सुबह एक बारी से स्टार्ट करो एंड देन ट्वाइस इट, मेक इट ट्वाइस अ डे, डबल टाइम आप वॉक करने जाइए, सुबह शाम दो टाइम वॉक करिए। आपके आसपास वॉक करने का एरिया नहीं है तो आप घर में, सोसाइटी के अंदर घूम सकते हैं, अपने लोकेलिटी में घूम सकते हैं, किसी पार्क में घूम सकते हैं। अगर वॉक करने का नहीं है टाइम या वॉक करने की नहीं है जगह, देर आर अदर थिंग्स टू डू, देर आर मेनी सिंपल एक्सरसाइजेज विच यू कैन स्टार्ट ऑफ विद, वेरी सिंपल एक्सरसाइज विच वी यूज़ टू डू इन आर स्कूल टाइम्स। स्कूल टाइम में हमने बहुत किया, पीटी में जंपिंग जैक्स, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज होती है, एक जगह खड़े रहना है और हाथ ऊपर करना है और जंप करना है और क्लैप करना है, दैट इज़ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। आप उसको शुरू करो, 1 मिनट 2 मिनट छोटा छोटा ब्रेक लो, लेकिन 10 से 15 मिनट आप करते रहो। आपको शुरू में लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये खड़े हुए जंप कर रहे हैं, बच्चों में बचपन में करते थे, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ दी एक्सरसाइज विच विल कीप, विच विल मेक योर हार्ट पम्प, अपनी सांस फुलाएगा, आपने जंप करेंगे आपकी सांस फूलेगी, आपका हार्ट और ज़्यादा ब्लड पम्प करेगा, और हमें वही करना है। शुरू में हमें बहुत दुखदाई लग सकता है ये, लेकिन वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट समहाउ। अब जंपिंग जैक्स शुरू करके और भी एक्सरसाइज इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस स्टेज में हो कि वो बहुत सारे एक्सरसाइज कर ले, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़े बहुत ठीक ठाक फिट होंगे, कुछ
को पता है एक्सरसाइजेस के बारे में लेकिन वो नहीं कर पाते, बट देन करना तो है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अपने लिए। अब ये सारी एक्सरसाइजेस क्या हैं, जंपिंग जैक्स, बर्पीज विच आर माय फेवरेट्स, देन स्क्वाट्स, क्रंचेस, स्किपिंग इफ़ यू नो, इफ़ यू कैन डू इट, इफ़ यू कैन डू स्किपिंग, ये सारी एक्सरसाइजेज ये हैं जो बहुत ही हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज हैं एंड ईजी भी हैं एंड इट मेक्स योर हार्ट पम्प मोर ब्लड। वेन यू डू दिस योर बॉडी विल सिक्रीट दोज हैप्पी हॉर्मोन्स एंड अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। यू वॉन्ट फील these happy hormones on this first day, but you will definitely feel something, but then if you keep on doing it for a regular time, regular interval and show consistency, you will definitely feel changes in yourself. Remember ek kahawat bhi kisi ne boli hai na, Rome was not built in a single day. To ye same hai, koi magic nahi hai, chutki bajate kuch bhi nahi ho jata, aapko mehnat karni padegi, kuch na kuch activity karte rahoge, so you'll definitely come out of this position of depression. And yes, this process will take time, this process is slow, you have to be consistent, you have to show that willpower, and the first 10-15 days will be very tough for you, but then after those 15 days, once you become and get into a habit, you will definitely feel wonders in your body and in your mental state. Ek cheez yaad rakhni hai, you have to have a little bit control on your diet. I'm not asking you to diet off or go into a diet of any sorts, just control your diet, just make sure you don't eat the unhealthy things or packed things like ice creams and all. Acha healthy ghar ka khana khaiye and stay healthy and don't drink alcohol, it will push you back. Just keep exercising, keep working out, keep pushing yourself, and so all the best, and do like, share and subscribe to my channel, and share this video and information with people who you know, people you love, people you feel this information would be helpful and useful for. Do share, like and subscribe. Thank you. This is Shashwat Verma signing off. Bye bye.